हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो बच्चों, जो अपना डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट चल रहा है, इसमें 1.3 तक ऑलरेडी हो चुका है, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो है बच्चों। इसमें 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों 5 क्वेश्चन है, पांचों का पांचों क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। सर, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है एग्जैक्टली, बट उसमें टीटा की वैल्यू पुट करनी है, बस जो भी आपको रिस्पेक्टिव वैल्यू दी वो पुट करनी है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है आपको, पहला क्वेश्चन दिया है आपको x इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर टीटा। बच्चों, y आपको क्या दिया है, कॉट क्यूब टीटा, और आपको टीटा दिया है पाई बाय 6। टीटा क्या दिया आपको, पाई बाय 6। ये क्लियर हो गया बेटा? तो अभी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। x आपका कोसेक स्क्वायर टीटा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, सॉरी, हाँ, टीटा इज अ पैरामीटर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टीटा लिखना है बेटा। तो आपका dx बाय dt क्या आएगा बेटा, पहला तो कोसेक स्क्वायर x रेज़ टू n 2 कोसेक टीटा इंटू कोसेक टीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, माइनस कोसेक टीटा इंटू कॉट टीटा। ये क्लियर हो गया बच्चा? कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कोसेक टीटा, कोसेक का माइनस कोसेक टीटा इंटू कॉस टीटा। तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस 2 कोसेक इंटू कोसेक कोसेक स्क्वायर टीटा इंटू कॉट टीटा। बच्चों, वाई आपका कॉट क्यूब है ना, तो डीवाई बाई टीटा क्या आएगा बेटा, कॉट क्यूब का क्या आएगा, 3 कॉट स्क्वायर इंटू कॉट टीटा का डेरिवेटिव बेटा, कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर टीटा। सिंपल, एक बार फिर से बेटा, कोसेक स्क्वायर का 2 कोसेक, फिर कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, कॉट क्यूब का 3 कॉट स्क्वायर, फिर कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर। तो आपको चाहिए डी वाई बाय डी एक्स, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा आपका, डी वाई बाय डी एक्स 3 कॉट स्क्वायर टीटा माइनस कोसेक स्क्वायर टीटा होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, माइनस 2 कोसेक स्क्वायर टीटा इंटू कॉट टीटा। बेटा ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, नहीं माइनस का कोई जोड़ीदार नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा ना, माइनस 2 है ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, समझ में आ रहा है बेटा? अब इसके बाद 3/2 ऐसे ही रहेगा बेटा, कॉट स्क्वायर और कॉट में एक कॉट कैंसिल, तो 3/2 कॉट टीटा। बट आपको टीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, टीटा की वैल्यू कितने दी है, टीटा की वैल्यू आपको दिए हैं पाई बाय 6। तो पुट करो टीटा की वैल्यू पाई बाय 6, तो क्या आएगा, 3/2 कॉट टीटा नहीं पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 बेटा। तो ये 3/2 ऐसा ही रहेगा, कॉट 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 30, पाई बाय 6 मतलब 30 ना बच्चों, कॉट 30 क्या आएगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 होता है रूट 3/2, ये होता है 1/2, समझ में आ रहा है, रूट 3/2 अपन 1/2, 2 कैंसिल, रूट 3 आ जाएगा, तो 3√3/2 आपका फर्स्ट आंसर क्या आ गया, 3√3/2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, आपको x दिया a cos क्यूब थीटा, y दिया a sin क्यूब थीटा, थीटा पाई बाय 6, तो dx / dt क्या आएगा बेटा, a c रहेगा, cos क्यूब 3 cos स्क्वायर x रेज़ टू n ना, n x रेज़ टू n माइनस 1, 3 नीचे आ गया, cos क्यूब का 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या आएगा बेटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर आपका डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा बेटा, ए ऐसे ही रहेगा, साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा। अब डिवाइड कर दो यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स दोनों को डिवाइड करो, ठीक है बेटा, 3 ए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ए ए कैंसिल, फिर 3 कैंसिल, कॉस और कॉस स्क्वायर का एक कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर का एक साइन कैंसिल, तो बेटा ये माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस, फिर ये साइन और ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे एक कॉस बचा है, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा बेटा, टेन थीटा आएगा। ये आपको समझ गया क्या, ए कैंसिल, 3 कैंसिल, फिर साइन और साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर है ना, एक साइन कैंसिल, कॉस और कॉस स्क्वायर का एक कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10 आ गया। बट आपको टीटा की वैल्यू पाई बाय 3 पुट की है बेटा, टीटा की वैल्यू क्या पुट की है आपकी, पाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस 10 टीटा की जगह पे पाई बाय 3 विच इज माइनस टेन 60, टेन 60 क्या आएगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60, रूट 3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, आंसर आ गया रूट 3 बच्चों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत सिंपल है, t का वैल्यू बन दिया बच्चों, t इज अ पैरामीटर लिख देने का, ओके, dx / dt क्या आएगा बेटा, t स्क्वायर का 2t और t का 1, t स्क्वायर का 2t और t का 1,
बच्चों डी वाई बाई डी टी क्या आएगा आपका, साइन का कॉस पाई टी बाई टू, साइन का कॉस पाई टी बाई टू इंटू वापस से पाई टी बाई टू का डेरिवेटिव करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा पाई बाई टू, प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा माइनस साइन पाई टी बाई टू, ओके फिर पाई टू का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा पाई बाई टू। अब पाई बाई टू क्या हो जाएगा कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आया गया कॉस पाई टी बाई टू प्लस माइनस माइनस साइन पाई टी बाई टू। एक बार फिर से, ये तो बहुत सिंपल है टू टी प्लस वन। अभी डी वाई बाई डी टी बेटा, साइन का कॉस आ गया पाई टी बाई टू का पाई बाई टू, कॉस का माइनस साइन आ गया पाई टी बाई टू का पाई बाई टू, पाई बाई टू पाई बाई टू दोनों में कॉन्स्टेंट था कॉमन ले लिया। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना बेटा, ये अपॉन ये आ जाएगा पाई बाई टू फिर कॉस पाई टी बाई टू माइनस साइन पाई टी बाई टू होल डिवाइडेड बाय टू टी प्लस वन। टी के जगह पे वन पुट कर दो, टी के जगह पे क्या पुट कर दो बेटा वन, तो आप टी के जगह पे वन पुट कर दोगे आप लोग को आंसर आ जाएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या आ गया, ये पाई बाय टू ऐसा ही रहेगा बेटा ब्रैकेट में कॉस पाई टी बाय टू मतलब पाई इंटू वन बाय टू प्लस, प्लस है कि माइनस है, कॉस था प्लस था बट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस आ गया, माइनस साइन पाई इंटू टी क्या आएगा वन बाई टू, ये क्लियर हो गया बेटा। अब पाई बाई टू ऐसा ही रहेगा कॉस पाई वन सा पाई कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस नाइनटी, कॉस नाइनटी क्या आएगा बेटा जीरो आएगा माइनस साइन नाइनटी क्या आएगा वन, समझ में आ रहा है ओके। एक चीज आप मिस कर रहे हो टू टी प्लस वन, तो डिनोमिनेटर में भी तो पुट करो बेटा टू इंटू टी वन प्लस वन, सही है ना बेटा टू टी की जगह पे वन आएगा ना टू इंटू वन प्लस वन। अभी टू वन जै टू प्लस वन थ्री, तो ये जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस पाई बाय टू इंटू थ्री तो माइनस पाई बाय सिक्स। बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि बहुत सिंपल था ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बच्चों एक्स दे आपको टू कॉस टी प्लस कॉस टू टी, वाई दिया है टू साइन टी माइनस साइन टू टी, तो बच्चों आपका डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा बच्चों बहुत सिंपल है, टी इज अ पैरामीटर लिखना मत भूलना, टू कॉस टी टू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस कॉस टू टी टा क्या आएगा माइनस साइन टू टी इंटू टू, टू टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा टू आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस टू साइन टी प्लस माइनस माइनस टू साइन टू टी, ठीक है बेटा। अब वाई आपका क्या है वाई 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 आपका है टू साइन टी माइनस साइन टू टी, सिमिलर सिमिलर करो बेटा टू ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा कॉस टी माइनस साइन टू टीटा का डेरिवेटिव आएगा टू साइन टू टीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू टी विच इज टू, सही ना बेटा। तो यहां पे भी टू कॉस टी माइनस ए बार बार टू क्यू, एक बार टू लिखा ना बच्चों वही आएगा ना साइन टू टीटा का टू साइन टू टीटी आ जाएगा टू टू साइन टू टी, तो आपका डी वाई बाय डी एक्स क्या आएगा टू कॉस टू टी माइनस टू साइन टू टी डिवाइडेड बाय ओके। ये क्या गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हुआ कि एक बार वापस से करो इसको, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो कॉस का साइन सही लिखा मैंने बट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया बच्चों, टू ऐसे ही रहेगा साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस माइनस साइन टू डीटा, साइन टू टी डी है ना बच्चों, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा कॉस टू टी, और टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू, अब सही है। तो बच्चों क्योंकि वही कन्फ्यूज है भाई दोनों साइन साइन है तो दोनों कॉस कॉस आना चाहिए, सही कि नहीं, तो टू कॉस टी माइनस टू कॉस टू टी डिवाइडेड बाय माइनस टू साइन टी माइनस टू साइन टू टी। अब इसके बाद आगे आगे ध्यान देना बच्चों, आपको टी का वैल्यू पाई बाय फोर दिया है तो टी का वैल्यू पाई बाय फोर पुट करो, डी वाई बाय डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर क्या आएगा टू कॉस टी, टी बोले तो पाई बाय फोर माइनस टू कॉस टू टाइम्स पाई बाय फोर होल डिवाइडेड बाय माइनस टू साइन टी ना बेटा पाई बाय फोर माइनस टू साइन टू टाइम्स पाई बाय फोर,
अब टू कॉस 45 क्या होगा बेटा, 1/√2 माइनस 2 इंटू कॉस 2 इंटू 45 90, और कॉस 90 क्या होता है बेटा, जीरो माइनस 2 साइन 45 अगेन 1/√2 बेटा माइनस 2 साइन 2 इंटू पाई बाय 4 साइन 90, साइन 90 क्या होता है बेटा 1। अब 2 अपॉन रूट 2 क्या आएगा बेटा, रूट 2 आएगा, 2 अपॉन रूट 2 क्या आएगा, रूट 2 आएगा। अब माइनस 2 अपॉन रूट 2, माइनस 2 अपॉन रूट 2 क्या आएगा बेटा, माइनस रूट 2, और ये हो जाएगा माइनस 2। ये क्लियर है बेटा। अब इसके बाद आप इतने में भी छोड़ सकते हैं उसको, नहीं तो इधर से माइनस कॉमन ले लो बेटा। अब रूट 2 माइनस 2 है, इसमें से रूट 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू कॉस 2t, हाँ 1/1 प्लस t की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इतने में भी आप लोग छोड़ सकते हैं उसको, नहीं तो एक स्टेप और कर, देखो बेटा ये दोनों में से रूट 2 कॉमन लो, ये रूट 2 और ये रूट 2 चला गया। अब ये इसको कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2। समझ में आ रहा है बेटा। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2 ही रहेगा बेटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 1, माइनस माइनस गया आंसर आ गया 1 माइनस रूट 2। ठीक है बेटा, 1 माइनस 2 माइनस माइनस गया, क्या आ गया, 1 माइनस रूट 2। दैट्स इट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन क्या है आपका, टी प्लस 2 साइन पाई टी 3t माइनस कॉस पाई टी। ठीक है, चलो ना करते हैं। तो बच्चों डी एक्स बाय डी टी क्या आएगा, टी का डेरिवेटिव 1, 2 साइन पाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, कॉस पाई टी इंटू पाई टी का डेरिवेटिव पाई। एक बार फिर से, टी का डेरिवेटिव 1, 2 ऐसी रहेगा, साइन पाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस पाई टी और पाई टी का पाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई टी डी वाई बाई डी टी बेटा, 3t का 3 आ गया, माइनस कॉस पाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, माइनस साइन पाई टी इंटू पाई, 3 माइनस माइनस प्लस पाई साइन पाई टी, सिंपल था। अब डिवाइड करो ना बेटा डीवाई बाई डी एक्स के लिए, डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या आएगा आपका, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 प्लस पाई साइन पाई टी अपॉन 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई टी। बट बच्चों टी को 1/2 पुट करना है, पुट करो, क्या आएगा, 3 प्लस पाई ऐसी रहेगा, साइन पाई ऐसी रहेगा, टी के जगह पे 1/2, 1 प्लस 2 पाई ऐसी रहेगा, कॉस पाई टी के जगह पे 1/2 बेटा, 3 प्लस पाई, बच्चों साइन पाई 1/2, साइन पाई बाय 2 साइन 91 होता है, 1 प्लस 2 पाई बच्चों, कॉस 90 क्या होता है, 0। समझ में आ रहा है, 3 प्लस पाई अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस पाई। एक बार फिर से बच्चों, टी का डेरिवेटिव 1, 2 ऐसे ही रहेगा, साइन का कॉस और पाई टी का पाई, बिकॉज पाई बाहर आ गया, टी का डेरिवेटिव 1, 3t का 3, टी का डेरिवेटिव 1, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस हो गया प्लस, अब आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों, ठीक है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है, 0। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो खत्म, अब मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के वीडियो में, जो प्रूफ दैट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, प्लीज वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करो बच्चों, कुछ फीडबैक है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।